नमस्कार दोस्तों, मित्तल कॉन्सेप्ट क्लासेस के यूट्यूब चैनल में आपका एक बार फिर से स्वागत है। साथियों, आज का ये एपिसोड वर्ग दो गणित विषय की तैयारी कर रहे छात्रों के लिए बहुत ही उपयोगी होगा। आज हमारा जो टॉपिक है वो है रेखा गणित के बारे में। साथियों, त्रिभुज के चार प्रकार के केंद्र होते हैं। तो सबसे पहला केंद्र होता है केंद्रक। केंद्रक वो बिंदु होता है जहाँ पर त्रिभुज की तीनों माध्यिकाएं, यानी कि त्रिभुज में किसी शीर्ष से सम्मुख भुजा के मध्य बिंदुओं को मिलाने वाली रेखाएं जिस बिंदु पर काटती है उसे अपन केंद्रक कहते हैं। साथियों, यहाँ त्रिभुज ABC है, भुजा BC का मध्य बिंदु हमने D लिया, तो A सामने वाला शीर्ष है, तो A से D को मिलाने वाली एक माध्यिका हो गई। इसी प्रकार B से E को मिलाने वाली दूसरी माध्यिका हो गई, और C से F को मिलाने वाली जो रेखा हो गई वो तीसरी माध्यिका हो गई। तो साथियों, तीनों माध्यिकाएं जिस बिंदु पे मिलती है उसे हम त्रिभुज का केंद्रक कहते हैं, और इसे हम G से प्रदर्शित करते हैं। इसमें याद रखिएगा, तीनों माध्यिकाएं संगामी होती है, यानी एक ही बिंदु से होकर जाती है, और केंद्रक माध्यिका को 2:1 में विभक्त करता है। साथियों, 2:1 में विभक्त करता है, और ये 2:1 रहेगा शीर्ष की तरफ और 1:1 रहेगा इसके भुजा की तरफ। तो ये केंद्रक माध्यिका को 2:1 में विभक्त करता है। अगला केंद्र होता है लंब केंद्र। त्रिभुज के शीर्षों से सम्मुख भुजा पर खींचा गया लंब जिस बिंदु पर प्रतिच्छेद करता उसे हम लंब केंद्र कहते हैं। साथियों, त्रिभुज अपना ABC, ये कोई त्रिभुज है, इसमें शीर्ष A से सामने वाली भुजा यानी BC पर हमने परपेंडिकुलर खींचा, लंब खींचा, तो ये जिस बिंदु पर मिला ये त्रिभुज का एक लंब हुआ। इसी प्रकार से हम भुजा B से AC पर एक परपेंडिकुलर खींचेंगे BE, और इसी प्रकार से बिंदु C से AB पर एक परपेंडिकुलर खींचेंगे CF। ये तीनों जिस बिंदु पर प्रतिच्छेद करते हैं उस बिंदु को हम बोलते हैं लंब केंद्र। अगला केंद्र आता है हमारा अंतः केंद्र। अब यहाँ त्रिभुज के तीनों कोणों के अर्धक, त्रिभुज का तीन कोण होगा, ये त्रिकोण अपना A हो गया, ये B हो गया, ये C हो गया, तो इन तीनों कोणों के अर्धक, अर्धक वो होता है साथियों जो किसी कोण को दो बराबर बराबर भागों में बांटते हैं। तो ऐसी कोण A का अर्धक हमने लिया, ऐसी कोण B का अर्धक और कोण C का अर्धक, तो तीनों अर्धक जिस बिंदु पर प्रतिच्छेद कर रहे हैं ये कहलाता है अंतः केंद्र। तो त्रिभुज के तीनों कोणों के अर्धक जिस बिंदु पर प्रतिच्छेद करते हैं उसे हम अंतः केंद्र कहते हैं। और ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है कि यह केंद्र तीनों भुजाओं से सम दूरस्थ होता है। साथियों, आपको याद होगा कि जब हम छोटी क्लासेज में त्रिभुज के अंतः केंद्र की रचना करते थे, अंतःवृत्त की रचना करते थे, तो उसके लिए हम अंतःवृत्त ज्ञात करते थे। तो यहाँ पर तीनों भुजाओं से सम दूरस्थ होता है। अगला केंद्र होता है परिकेंद्र। साथियों, त्रिभुज के तीनों भुजाओं के मध्य बिंदु, जैसे ये भुजा है हमारी BC, ये A, तो BC भुजा के मध्य बिंदु के ऊपर यदि हम एक लंब खींचे, इसी प्रकार AC भुजा पर एक लंब खींचे, और इसी प्रकार AB भुजा पर हम एक लंब खींचे, तो तीनों लंब जिस बिंदु पर प्रतिच्छेद करते हैं उसको हम परिकेंद्र कहते हैं। तो देखिए फिर से, त्रिभुज की तीनों भुजाओं के मध्य बिंदुओं पर खींचे गए लंबों का प्रतिच्छेद बिंदु जिस बिंदु पर प्रतिच्छेद करता है उसको हम परिकेंद्र कहते हैं, और परिकेंद्र तीनों शीर्षों से समदूरस्थ होता है। साथियों, शीर्षों से समदूरस्थ होता है, और जब हमने अंतः केंद्र की बात की थी वो तीनों भुजाओं से समदूरस्थ होता है, तो ये बात याद रखिएगा। तो इस प्रकार हमने चार तरह के केंद्र देखे। तो संक्षेप में हम समझ सकते हैं कि केंद्रक त्रिभुज की माध्यिकाओं का प्रतिच्छेद बिंदु होता है, लंब केंद्र त्रिभुज के शीर्ष लंबों का प्रतिच्छेद बिंदु होता है, अंतः केंद्र त्रिभुज के कोण अर्धकों का प्रतिच्छेद बिंदु होता है, और परिकेंद्र होता है त्रिभुज के लंब अर्धकों का प्रतिच्छेद बिंदु। सभी प्रकार के त्रिभुजों में, भले वो समकोण त्रिभुज हो, न्यून कोण त्रिभुज हो, या अधिकोण त्रिभुज हो, में केंद्रक त्रिभुज के अंदर ही होता है, केंद्रक त्रिभुज के अंदर ही होता है। दूसरा, समकोण त्रिभुज का लंब केंद्र समकोण वाले शीर्ष पर होता है। जैसे ये कोई हमने एक समकोण त्रिभुज लिया, और समकोण त्रिभुज का जब अपन लंब केंद्र खींचेंगे तो ये हमको जो कर्ण वाले शीर्ष पर मिलेगा, मतलब ये इस बिंदु पर, इस जगह पर कर्ण बनाने वाले शीर्ष पर मिलेगा। इसी प्रकार समकोण त्रिभुज का जो परिकेंद्र होता है वो कर्ण के मध्य बिंदु पर होता है। साथियों, ये हमारा कोई कर्ण है AC, तो इसका जो मध्य बिंदु है यानी कि ये समकोण त्रिभुज का परिकेंद्र होगा। तो हमने जो चीजें पढ़ी उसको हम संक्षेप में समझ सकते हैं कि केंद्रक
लंब केंद्र, अंतः केंद्र और परिकेंद्र, विभिन्न प्रकार के त्रिभुजों में उनकी स्थिति कहाँ कहाँ होती है। तो साथियों सबसे पहले हम देखें न्यून कोण त्रिभुज। न्यून कोण त्रिभुज में केंद्रक त्रिभुज के अंदर ही मिलेगा, लंब केंद्र में भी अंदर मिलेगा, अंतः केंद्र में भी अंदर मिलेगा और परिकेंद्र में भी अंदर ही मिलेगा। तो साथियों याद रखें न्यून कोण में चारों प्रकार के केंद्र त्रिभुज के अंदर ही प्राप्त होते हैं। और समकोण त्रिभुज की स्थिति देखें तो समकोण त्रिभुज में केंद्रक त्रिभुज के अंदर मिलेगा, लंब केंद्र समकोण त्रिभुज में वो कर्ण के का सम्मुख शीर्ष में, यानी कि जो कर्ण बनाने वाली भुजा है उसके सामने जो शीर्ष है उस पर हमें प्राप्त होता है। अंतः केंद्र समकोण त्रिभुज में अंदर प्राप्त होता है और समकोण त्रिभुज में जो परिकेंद्र होता है वो कर्ण के मध्य बिंदु के बराबर होता है। इसी प्रकार हम देखते हैं कि अधिक कोण त्रिभुज का जो केंद्रक होता है वो त्रिभुज के अंदर, अधिक कोण त्रिभुज का जो लंब केंद्र होता है वो त्रिभुज के बाहर होता है, अंतः केंद्र अधिक कोण त्रिभुज के अंदर होता है और परिकेंद्र त्रिभुज के बाहर होता है। साथियों इस चार्ट का आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं और ये स्क्रीनशॉट आपके लिए बहुत ही उपयोगी होगा। तो साथियों बताइएगा कि ये श्रृंखला हमारी कैसी लगी और आपको भविष्य में किन विषयों पर वीडियो आपकी आवश्यकता है तो आप मुझे कमेंट में ज़रूर लिखिए ताकि मैं उस आगे आने वाले वीडियो उस विषय पर बना सकूँ। धन्यवाद।